हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सभी लोग। आई होप तुम सभी लोग बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही मस्त और बहुत ही चिल्ड हो। मैं डॉक्टर मलिक और आप सभी को स्वागत करते हैं द आयुर्वेदिक क्लासेस में। आज हम लोग वेस्ट बंगाल के एक बहुत ही शानदार सा प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। एंड द कॉलेज इज राजीव गांधी मेमोरियल आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि काकीनाडा में लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल में। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में इस कॉलेज के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, ताकि अगर आप इस कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो तो आपको एकदम सटीक और संपूर्ण नॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी एस्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो ये कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था 2002 में। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 22 ईयर्स ओल्ड कॉलेज है और बहुत ही शानदार कॉलेज है। दूसरा, अगर इसकी सीट इनटेक की बात करें तो इसका अभी जो टोटल सीट इनटेक है दैट इज 60, लेकिन अगर आप 2022 तक बात करें तो इसका जो सीट इनटेक था दैट वाज 50। मतलब ये कॉलेज डिमांडिंग है, इसीलिए इसका जो कॉलेज का सीट है वो बढ़ा दिया गया। ध्यान से समझो, कॉलेज डिमांडिंग है, इसके वजह से इसका सीट जो है वो बढ़ा दिया गया। अच्छा, तो अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो इसका जो एड्रेस है बेले शंकरपुर काकीनाड़ा नॉर्थ 24 परगना। आप इसको डायरेक्टली मैप पे सर्च कर सकते हो और ट्रैक कर सकते हो इस कॉलेज को। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट अगर हम इस कॉलेज की बात करें तो भाई ये जो कॉलेज है वो एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा एंड प्रेजेंटली इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस दैट इज़ WBUHS। ठीक है, तो ये जो कॉलेज है वो वेल एफिलिएटेड कॉलेज है। अच्छा, नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिपार्टमेंट्स के बारे में, क्योंकि एक कॉलेज के लिए सबसे जो मेन पॉइंट रहता है वो है डिपार्टमेंट। अगर आप एक स्टूडेंट के दृष्टिकोण से देखो तो आपको उसी कॉलेज को जाना चाहिए जहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स अवेलेबल है। साथ ही साथ आपको उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखना है, साथ ही साथ उस कॉलेज में फैसिलिटीज़ क्या है, क्या हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, क्या कैडेवर आपको प्रोवाइड किया जाता है, क्या मेडिकल कैंप्स प्रोवाइड किया जाता है। इन सारे तमाम चीज़ को देखने के बाद तभी आपको एक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। तो चलिए इस कॉलेज के बारे में अपन एक्सप्लोर करते हैं। अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ शरीर रचना, संहिता सिद्धांत, शालक्य तंत्र, क्रिया शरीर, द्रव्यगुण, रसशास्त्र एवं वैसज्य कल्पना, रोग निदान एवं विकृति विज्ञान, स्वस्थ वृत्त, अगत तंत्र, काया चिकित्सा, शल्य तंत्र, पंचकर्मा, कोमल वित्र, प्रसूति एवं स्त्री रोग। मतलब इन सारे डिपार्टमेंट्स का अवेलेबिलिटी इस कॉलेज में है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट अगर इसकी फैसिलिटीज़ की बात करें तो ये कॉलेज आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, ये भी अगर हम बात करें एक स्टूडेंट के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अपन ऑडिटोरियम की फैसिलिटीज़ की बात करें तो देखो इस कॉलेज में ऑडिटोरियम है, लेकिन आप अगर MBBS जैसा या फिर दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस के जैसा आप ऑडिटोरियम ढूंढ रहे हो तो इस कॉलेज में वो फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, ऑडिटोरियम फैसिलिटी है, लेकिन टॉप नॉच ऑडिटोरियम फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर कोई भी फंक्शनल इवेंट्स अरेंज किया जाता है तो कॉलेज क्या करता है, आपके लिए कोई भी ऑडिटोरियम अरेंज करवा देता है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। अच्छा, कैंटीन फैसिलिटी की बात करें तो जी हाँ, इसमें बहुत ही अच्छा कैंटीन फैसिलिटी है और कैंटीन का खाना बहुत ही अच्छा है। लाइब्रेरी फैसिलिटी की बात करें तो बिल्कुल सही, लाइब्रेरी इसमें बहुत ही अच्छा है। ऑलमोस्ट सारा बुक्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा, चाहे वो आयुर्वेदिक हो चाहे वो मॉडर्न हो। अगर हर्बल गार्डन की बात करें तो आप इस वीडियो में देख सकते हो, मैं छोटा सा एक क्लिप डाल दूंगा तो देख लेना, बहुत ही अच्छा शानदार सा हर्बल गार्डन है। और अगर आप एक आयुर्वेदिक स्टूडेंट के दृष्टिकोण से देखो तो आपको इस हर्बल गार्डन से ऑलमोस्ट मैक्सिमम द्रव्य मिल जाएगा। अगर हॉस्टल फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है और यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट है। प्लस पॉइंट क्या है कि गर्ल्स के लिए हॉस्टल बन रहा है और हॉस्टल इसी साल रनिंग हो जाएगा, लेकिन अगर बॉयज़ के लिए बात करें तो बॉयज़ के लिए करेंटली इस कॉलेज में कोई भी हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे PG और मेस का फैसिलिटीज़ बराबर प्रोवाइड किया जाता है, बहुत ही कम रेट में आपको मिल जाएगा। 2K के आसपास आपका फीस प्रति मंथ आपका लगता है और मान के चलिए अच्छा खासा आपको अरेंजमेंट कॉलेज वाला ही करवा देगा। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करें तो हाँ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इस कॉलेज में है। प्रॉपर यहाँ पे जो द्रव्य है, जो मेडिसिन है, यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है, तो आपको इसी से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हॉस्पिटल बिल्डिंग की बात करें तो आपको मैं प्लस पॉइंट भी बोलूँगा, नेगेटिव पॉइंट भी बोलूँगा। तो देखिए, इस कॉलेज में आपका मॉडर्न के जैसा फैसिलिटी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए सोच रहे हो तो ये कॉलेज आपको बराबर फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगा। अगर पेशेंट फ्लो की बात करें तो देखिए, वीकेंड में उतना ज़्यादा पेशेंट का फ्लो नहीं रहता है, लेकिन वीकडेज में पेशेंट का फ्लो अच्छा खासा रहता है। अगर एकेडमिक्स बिल्डिंग की बात करें तो एकेडमिक्स बिल्डिंग आपका बहुत ही शानदार है और ऑलमोस्ट मान के चलिए सारा जो क्लासेस है रेगुलरली रन करते हैं। और मेडिकल कैंप्स की बात करें तो हाँ, एक कॉलेज जो है आपको मेडिकल कैंप्स भी अरेंज करवा देती है, साथ ही साथ यहाँ पे दूसरे कॉलेजेस में आपको टूर करने को भी मिलेगा। ठीक है, वो सब आपको कॉलेज वाला ही अरेंज करवा देगा।
ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट राजीव गांधी मेमोरियल आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल। अगर आपको इस कॉलेज के बारे में और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करना है तो आप इस नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमारे टीम से बात कर सकते हो। और अगर आपको काउंसलिंग गाइडेंस में कोई भी दिक्कत हो रहा है कि कैसे इस कॉलेज में अपन अप्रोच कर सकते हैं, कैसे क्या काउंसलिंग प्रोसीजर रहता है, अगर आपको इन सब चीज़ों में दिक्कत हो रहा है तो आप डेफिनेटली हमारे टीम से बात कर सकते हो और हम आपको बाकायदा मदद कर देंगे, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आपको इस कॉलेज के बारे में बहुत ही ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिला होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।